धन्यवाद। छोर में बदलाव के बाद मैदान के पूर्वी छोर पर नजर आ रहे हैं और पश्चिमी छोर पर सरदारगढ़ की टीम और बहुत ही चमकता था अभी भी कच से लिए बहुत ही शानदार शॉट शानदार गोल यहां पर तानिया एफसी रोम की खाड़ी बराबर का गोल तक ये साबित कर दिए कि मिटा सके जमाने से ये जमाने वालों में दम नहीं जमाना खुद हमसे है। जब आप पत्थर से दे चुके तानिया मैनेजर टीम को उतारे गलती टीम के मैनेजर कर बात कीजिए जैसे सरदारगढ़ के लिए रामसाई और चलिए बहुत ही शानदार हेड शानदार गोल लिया पर यहाँ पर गंगाराम का शॉट को गोल में तब्दील करने में कामयाब होता हुआ जो खड़े गोल मार जैसन में थोड़ा सा दिखा देंगे बाबू जैसन में दिखा देंगे जैसन खेल के जरिए बदल कर उसको मुझे किसी को ले शुक्रिया चलिए सर्दी कटी रिश्ते मुझे आज नॉट टूर्नामेंट डे प्रथम राउंड फास्टेस्ट प्रथम अंतिम मैच है मैदान के पूर्वी छोर पर जिस टीम को हम लोग देख रहे हैं ये है जे एस सी सरदारगढ़ गालोडी सरदारगढ़ की टीम है और मैदान के पश्चिमी छोर पर ब्राउन कलर के जिसमें ये है तानिया एफसी रुआम ए माठे पूर्वरात अपना देखते पसंद जेएससी सागरगढ़ टीम खिलवाड़ हलो दिलील जैसी और पश्चिम प्रांत तानिया एफसी रुआम मैदान में तो तैरे सिंगर का पैरे जेसी सरदारगढ़ आसिंगी हसु तैरे तानी एफसी रुआम अगला जो मैच होगा 13 नंबर का मैच होगा यानी क्वार्टर फाइनल का मैच के लिए रेडी रहेंगे आप मिस्टी स्मोडी असम नगर के रानीपुर एफसी आप रेडी भी रहेंगे चलिए जहां तक बात कीजिए जेसी सागरगढ़ टीम में है सुधीर जैसे स्टार खड़े टीम के साथ जुड़ चुके हैं टीम का कप्तान भी बहुत बड़े जिम हमारे उनके कंधों पर है 11 नंबर के जिसमें नजर आ रहे टीम में बर्डू टीम के साथ जुड़ चुके हैं 7 नंबर जैसे ये है बर्डू कलकापुर एरिया से बिलोंग करते हैं लेकिन आज गालोडी एरिया की टीम के साथ ये जुड़ चुके हैं और ये गंगाराम पैसा बहुत ही कलाकारी खेल के लिए जान जाते लेकिन आज उस नेचुरल खेल को आज हमारे इस मैदान में अब तक दिखाने पाए जिस खेल के लिए जाना जाते हैं टीम में युवा खड़ी रायसन सोरेन पिछले मैच में काफी प्रभावित किए थे 17 नंबर के जैसे ने गोलकीपर के रूप में गंडू मुर्मू गोलपोस्ट पर मौजूद है तानिया एफसी टीम की अगर बात कीजिए तो गोलकीपर रोहित मुंडा अब तक अच्छा गोलकीपिंग किए और ये राजा भी है बहुत ही प्रतिभावान और स्टार खड़ी है एक अच्छा मौका बता रहता हूं पर जैसे सागरगढ़ टीम के लिए चलिए इस मैच में शुरुआती दौर से हमारे पिंटू वद्रा यूट्यूब चैनल
आप इस चैनल प्रोग्राम का हुई आनंद ले लेंगे। किक लेने का मौका मिलेगा यहाँ पर। मैनेजर टीम को उतारे, गलौटी टीम के मैनेजर कर बात कीजिए, जैसे सरदारगढ़ के लिए रामसाई। और चलिए बहुत ही शानदार हेड है, शानदार गोल लिया पर यहाँ पर गंगाराम का शॉट को गोल में तब्दील करने में कामयाब होता हुआ। जो खड़े गोल मार जैसे नंबर थोड़ा सा दिखा देंगे बाबू, जैसे नंबर दिखा देंगे जैसे। चलिए नौ नंबर की खाड़ी ने गोल मारे कमाल का। फास्टेस्ट गोल में से ये गोल गिनती होगी मैच की है। शुरू होने के साथ साथ लगभग दो तीन या चार मिनट के अंदर गोल लगन में कामयाब हो चुके हैं। अगला मैच के लिए रानी कुगर एफसी की खिलाड़ी आप रेडी में रहेंगे, साथ ही साथ रेडी उसमें रहेंगे मिस्ट्री स्पोर्टिंग लीग सरायकला। अच्छा जगबार बोल शॉटिंग तो लिए लेकिन खिलाड़ी गोल का क्या रहा ये ज्यादातर। शुरुआती दौर में दो अच्छा मोमेंट बनाए थे तानिया एफसी, गोल करने में नाकाम रहे। देखते देखते सरदारगुड़ा एक गोल से आगे है। पहले गोल का आगे डालते तो बेहतर होते, बेहतर होता टीम के लिए। बन सकती है पर भोल के लिए। कॉन्ट्रैक्ट का लाभ उठा पाएंगे सरदारगढ़ के युवा खिलाड़ी, ये देखना होगा। मौजूदा मौका का लाभ उठा पाएंगे जी नहीं आप भोलू आपने कब्जे बोल को लेने में कामयाब रहे। चलेकर मुन्ना चौदह नंबर की खिलाड़ी बहुत ही पावरफुल शॉट लेकिन उससे बाहर नहीं बोल कोशिश था। विवेक पिछले मैच में बहुत गजब का गोल मारे थे। अच्छा शॉट लेकिन अच्छी बचाओ यहाँ पर गोल के उस तरह का बोल को ज्यादातर गोल के पास पहुंच करते हैं लेकिन ग्रीप करके शानदार बचाव किए। शॉट यहाँ पर मार दू के द्वारा नंबर और 18 दिसंबर को ये खेल बी मैनेजर है जिनमें पहला प्राइज होगा 20,000 रुपया, सेकेंड 15,000, थर्ड 10,000, चौथा प्राइज 8,000, पांचवा प्राइज 5,000, छठा प्राइज 5,000 है। 48 टीम इसमें भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।
छोर में बदलाव के बाद मैदान के पूर्वी छोर नजर आ रहे हैं। तानी एफसी रुआम और पश्चिमी छोर सरदारगढ़ की टीम और बहुत अच्छा मौका था अभी भी कच से लिए बहुत ही शानदार शॉट शानदार गोल यहां पर तानी एफसी रुआम की खड़ी बराबर का गोल तक ये साबित कर दिए कि मिटा सके जमाने से ये जमाने वालों में दम नहीं जमाना खुद हमसे है। जब आप पत्थर से दे चुके तानिया एक एक गोल के बराबरी पर ये खेला चुके खेल एक रोमांच के मोड़ में आ चुकी है। ये बार बार इस बात का जिक्र चली गंगा सुधीर को डालना चाह रहे थे बोल सही के बाद पहुंचा था नाकाम रहा। फिर से पर मुन्ना गोविंद के करते हैं वाह कहीं अपना सोल लेकर गजब को बचाओ जब 15 नंबर की खाड़ी बोल को आगे ले जाने का कोशिश में है खेल जोर में चलाएंगे उड़ीसा और बंगाल का फिक्चर में नाम लिखा गया है। निश्चित पद 3 स्टेट का खेल का हम लोग इस मैदान में खेल को देख पाएंगे। इनके साथ साथ सीएसगल का ठुमका का भी हम लोग आनंद ले पाएंगे। अच्छा बॉल है पर राजा के द्वारा फिर शबर मौके की तलाश में तानी एफसी की टीम विवेक अच्छा थ्रू बॉल मौका बन सकता है। एक टप्पा खाने के बाद पूरी तरह बॉल शॉट हो मौका गोविंद के लिए वाह गजब का बचाव पर गोलकीपर के द्वारा राजा आसान सा मौका को हाथ से गवाते हुए और इस तरह का मौका जब हाथ से बेकार हो जाते तो टीम के मैनेजर बर्डू को विश्राम दिया जाएगा। सरदार बड़े टीम के लिए उनके जगह पर एक तरह का खिलाड़ी मैदान में आएंगे। देखा गोलकीपर होना के नपाई किन बंचा का रिबाउंड शॉट लगी थे राजा गुया हो तक की जम लग गया गोल पोस्ट से शूटिंग लेकिन गन ले गंगाराम बार बार सही पास देने में असफल हो रहे हैं। हर समय अगर एक हाफ लाइन की खिलाड़ी बॉल को ग्राउंड पास देना चाहिए आसान नहीं होता साधी कट तक बॉल को पहुंचाने में। शिताली आपसे रोम पर रोम टीम की खिलाड़ी को और इसी बात में मैच के लिए दोनों टीम की खिलाड़ी हमारे टेक्निकल जोन में पहुंच चुके हैं। स्पोर्टिंग सरायकेला और रानीकुदर एफसी तहे दिल से दोनों टीम को स्वागत करता हूं हमारे कमेटी परिवार को से कप्तान सुधीर बॉल पटाई में कर राहुल सिंह बॉल के बंचा धर्मा का तने एफसी टीम लगी खिलाड़ी 17 नंबर रायसेन
बोल मला पाटा दिने कन पुरम टू का ए कंगरा शॉट आख दे गंगराम लगे ओने खेलता है वाले बेटा ए घंटो सजु नहीं है घंटो अच्छे एरियल बोल मौका सुधीर के लिए डायरेक्ट मारता ना गुल्ली आगे था अच्छा शॉट कमाल का बचा गोलकीपर के द्वारा हालांकि दोनों टीम के गोलकीपर ने अब तक एक एक गोल खाए हैं लेकिन दूसरा गोल खाने को बेहतर मौका बचाव डिफेंडर के द्वारा आपसे के लिए मौका पांच छोर से पर गोविंद बोल का आगे बढ़ना बढ़ाते हुए फुटबॉल का खेल है कभी कभी छोटे मोटे फाउल हो ही जाते हैं हेडर के थ्रू आज सदर बचाओ और ये गलती कर बैठे थे खिलाड़ी अच्छा